दो अनजान लोग बर्फीला इलाका से अपने घर जा रहे हैं। मनीष भाई, हम दोनों सही रास्ते से तो जा रहे हैं ना, क्योंकि मैं पहली बार यह रास्ता से जा रहा हूँ, मुझे यह रास्ता के बारे में नहीं पता है। मोहन, तुम टेंशन मत लो, मुझे इस रास्ते के बारे में पता है, हम दोनों जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे। चलो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगा तुम्हारे शॉर्टकट वाले रास्ते में मैं भटक तो नहीं गया। मनीष और मोहन को घर जाने में लेट हो रहा था, इसलिए मनीष के बोलने पर दोनों शॉर्टकट वाले रास्ते से घर की ओर जा रहे थे। दोनों आगे जा रहा था, पर तभी उन दोनों को डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। डरावनी आवाज सुनकर दोनों काफी ज्यादा डर जाता है। मनीष, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, इधर तो बहुत ही डरावनी आवाज आ रही है, कहीं ये कोई भूत प्रेत की आवाज तो नहीं? अरे नहीं, ये कोई भूत प्रेत की आवाज नहीं, बल्कि बर्फीले जानवरों की है। मनीष का बात मोहन को पच नहीं रहा था, क्योंकि बर्फीले जानवर की आवाज इतनी तेज होती नहीं है। मोहन मन ही मन सोचता है कि मैं मनीष का बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दिया। दोनों जल्दी जल्दी आगे जा रहा था, पर तभी मनीष को लगता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है, जिसके बाद मनीष अपने पीछे देखता है। मनीष, क्या हुआ, तुम पीछे घूमकर क्या देख रहे हो? मोहन, मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं पीछे घूम के देखा। मोहन और मनीष आपस में बात कर रहा था, पर उसे क्या पता कोई पीछे से धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। कोई उन दोनों के नजदीक आ रहा था, जो मनीष और मोहन को महसूस हो जाता है, जिसके बाद दोनों डरते हुए अपने पीछे घूमकर देखता है तो सामने इविल स्नोमैन होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। मनीष, ये तो स्नोमैन है, पर ये यहाँ कैसे आया, हमने तो अभी यहाँ इसे देखा ही नहीं था। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर ये अचानक यहाँ कैसे आया और ये कितना डरावना दिख रहा है। हाँ मनीष, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मोहन और मनीष वापस से घर की तरफ निकलता है, पर इविल स्नोमैन भी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है, जो मोहन को पता चल जाता है। मनीष, स्नोमैन हमारा पीछा कर रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मोहन के बोलने पर मनीष पीछे देखता है कि सच में स्नोमैन उन दोनों का पीछा कर रहा है। ये कैसे संभव है, स्नोमैन कैसे चल सकता है, कहीं ये कोई शैतान तो नहीं? मोहन भागो यहाँ से, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। मनीष और मोहन तेजी से कुछ दूर आगे भागा ही था, तभी सामने वही इविल स्नोमैन होता है। अपने आगे स्नोमैन को देखकर दोनों वहीं रुक जाता है। ये कैसे हो सकता है, स्नोमैन हमसे आगे कैसे आ गया? तुम दोनों फंस गए हो यहाँ, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुमने गलती कर दी, यहाँ के तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इविल स्नोमैन के बोलते ही दोनों वापस से पीछे भागता है, पर दोस्तों, आपके अपने चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आज सुबह 10 बजे न्यू वीडियो आ रही है, जिसका नाम जॉम्बीज हॉरर स्टोरी है, तो आप सब उसे जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। गुप्ता जी, ठंड का मौसम आ गया है, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ मिश्रा जी, तुम सही कह रहे हो, बहुत दिन हो गया घुमा हुआ, पर कहाँ चले घूमने के लिए? गुप्ता जी और मिश्रा जी सोच रहे होते हैं कि आखिर कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, पर तभी गुप्ता जी को उनके दोस्त का फोन आता है। हाँ रमेश, ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। गुप्ता जी, क्या बोल रहा था रमेश? मिश्रा जी, रमेश हमें बुला रहा है अपने घर। क्या सच में? चलिए ना गुप्ता जी, वहाँ चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ होगा ना। पर मिश्रा जी, हम दोनों वहाँ गए तो क्रिसमस यहाँ नहीं बना पाएंगे। तो क्या हुआ गुप्ता जी, क्रिसमस वहीं पर बना कर आएंगे, चलिए ना गुप्ता जी, वहाँ बहुत मजा आएगा। मिश्रा जी के कहने पर गुप्ता जी रमेश का घर जाने को मान जाते हैं।
ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से बैग पैक कर लो, शाम में हम दोनों निकल जाएंगे। गुप्ता जी का बात से मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है और दोनों जल्दी से बैग पैकिंग कर लेते हैं। शाम होते ही दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और कार में बैठकर अपने दोस्त रमेश के घर निकल जाते हैं। उधर इविल सुनोमैन मनीष और मोहन को मारकर खा जाता है और अब नए शिकार की तलाश में इविल सुनोमैन वहां से निकल जाता है। गुप्ता जी बहुत मजा आएगा, वहां चारों तरफ बर्फ होगा। हाँ मिश्रा जी, और तुम बर्फ में सुनोमैन बनाना। हाँ गुप्ता जी, मैं सुनोमैन बनाकर उसके साथ खूब खेलूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते आगे जा रहे थे, पर तभी गुप्ता जी अचानक गाड़ी को रोक देते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी, क्या हम पहुंच गए? नहीं मिश्रा जी, गाड़ी से पहले बाहर तो आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी गाड़ी से बाहर आ जाता है। अब बताइए गुप्ता जी क्या हुआ? मिश्रा जी वहाँ देखो, आगे जाने का दो रास्ता है, हमें कौन सा रास्ता से जाना चाहिए मुझे याद नहीं आ रहा है। गुप्ता जी मुझे याद है, हमें ये रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि ये रास्ता हमें जल्दी रमेश का घर पहुँचा सकती है। पक्का मिश्रा जी? हाँ गुप्ता जी मुझे याद है, आप चलिए तो सही। गुप्ता जी मिश्रा जी का बात मान लेते हैं और शॉर्टकट वाले रास्ते के तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी की कार आगे जाने के बाद मिश्रा जी देखता है कि चारों तरफ बर्फ का चादर बिछा हुआ है। वाव, कितना सुंदर जगह है, मुझे तो लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। वो तो है मिश्रा जी, यह स्वर्ग से कम नहीं है। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी मिश्रा जी को सुनोमैन दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी गाड़ी रोकिए, मैंने पीछे सुनोमैन को देखा है, वह बहुत ही सुंदर है। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी कार को रोक देते हैं और दोनों बाहर निकल आते हैं। कहाँ है सुनोमैन मिश्रा जी, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गुप्ता जी मैंने तो देखा था सुनोमैन, पर पता नहीं अब क्यों नहीं दिख रहा है। मिश्रा जी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ कोई सुनोमैन नहीं है। हाँ गुप्ता जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलिए रमेश का घर चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता इविल सुनोमैन उसके कार के पीछे आ गया था। एक और नया शिकार मिल गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ देर बाद रमेश का घर पहुंच जाते हैं, जहां काफी भीड़ होती है। गुप्ता जी यहां इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं मिश्रा जी, आओ देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे जाते हैं तो उन्हें वहां रमेश की लाश दिखाई पड़ती है। ओ नो, ये तो रमेश है, ये क्या हो गया? गुप्ता जी सभी से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई दिनों से कोई न कोई मारा जा रहा है, पर ऐसा कौन कर रहा है इसका पता नहीं चला है। तो दोस्तों क्या आपको पता है रमेश को किसने मारा है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।